वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 एग्जाम के बारे में, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज है आपका चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी पावर। जो लोग पहली बार देख रहे हो, जाकर के आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक पहले देखो, क्योंकि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी और स्पीड एंड वेलोसिटी मैंने कंप्लीट कर दिया है। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, आप लोग उस लिंक पे जाकर के पेज को लाइक करना, और वहां पे कोई मैसेज करना होगा तो वहां पे कर सकते हो, या इस कॉन्टेक्ट मेल आईडी contact@unlimitededucation.in पे मेल कर सकते हो। बहुत लोगों का मैंने रिप्लाई दे दिया है, जिनका रिप्लाई नहीं गया है वो चला जाएगा, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन करो। वहां पे 2700 प्लस मेंबर्स हैं, तो पीडीएफ वगैरह वहां पे दे दिया जाता है, और जिसका पीडीएफ नहीं गया है, मुझे पता है किसका गया है किसका नहीं गया, तो वो सब चला जाएगा, तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहो। करंट अफेयर्स का डेली पीडीएफ जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग होंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो चैप्टर है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो भी चैप्टर डिस्कस किया जा रहा है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग करो, नोट डाउन करते जाओ, लिखते चले जाओ, ठीक है। चलो जो चीज बता रहे हैं उसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वैसे मैंने ये पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट से हम लोग क्या निकालते हैं, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से आगे हम लोग जाते हैं तो एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद एक्सेलरेशन के हेल्प से हम लोग फोर्स निकालते हैं, तो ये सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था, काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, तो ये सारा वेक्टर है, ओके। उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, तो ये दोनों का दोनों स्केलर है। और उसके साथ साथ ये जो चैप्टर देख रहे हो आप, वर्क एनर्जी और पावर, ये तीनों का तीनों स्केलर है, तो इसको भी यहाँ पे आप लोग लिख लो, वर्क एनर्जी एंड पावर। वैसे तो बहुत सारा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस पर अभी बात किया जा रहा है, तो ये आपका क्या है, स्केलर है। तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि वर्क स्केलर है या वेक्टर है, फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, तो आप लोग समझ जाओगे कि कौन क्या है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं। देखो चैप्टर का नाम ही है वर्क एनर्जी पावर, तो इसमें हम लोगों को कम से कम 5 क्लास आएगा हम लोगों का। तो हम लोग पहले वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जहां तक हो सकेगा हम लोग उतना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वर्क, सबसे पहले वर्क के बारे में देखो क्या है। एक चीज बताओ, मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा हूं, आप लोग पहले समझने का कोशिश करना। ये एक सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, और ये स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस, क्योंकि स्मूथ होगा तो फिर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो फिर वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये रफ सरफेस है। अब क्या कर रहे हैं, इस पे कोई बॉडी है, इस पे मान लो कोई बॉडी है, उसका ये सेंटर है, ठीक है। चलो इस पे आप क्या कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, आप एफ फोर्स लगा रहे हो, आप एक इंसान है जो क्या कर रहा है, खींच रहा है, इस ब्लॉक को खींच रहा है एफ फोर्स लगा के, तो ये हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप ही बताओ, अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे और वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे, तो ये बीच में एफ आया, ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और वर्टिकल हो जाएगा एफ साइन थीटा, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। चलो इस ब्लॉक को खींच के आप क्या किए, यहां पे ले आए, अब ब्लॉक मेरा यहां पे आ गया, तो यहां से ब्लॉक यहां चला गया, यानी डी डिस्प्लेसमेंट, डी यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मैं थोड़ा सा धीरे बताता हूं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, सबको समझ में आना चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बॉडी यहां से यहां गया, मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, तो क्या हुआ, फोर्स लगाए एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, डी। तो वर्क का डेफिनेशन यही होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही आपका वर्क का डेफिनेशन होता है। तो फोर्स कितना है, देखो वर्क का डेफिनेशन ही होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ओके।
चलो तो फोर्स कितना है, तो फोर्स है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि होरिजोनटल डायरेक्शन में देखो एफ लगा रहे हो बट होरिजोनटल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लग रहा है, तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका डी, तो यही हो गया आपका एफ डी कॉस थीटा, एफ डी इंटू डी कह सकते हो और कॉस थीटा कह सकते हो, ये इंटू का सिंबल है। और अगर आप लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोग जानते होगे तो इसी को एफ डॉट डी भी पढ़ते हैं, एफ डॉट डी भी पढ़ते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो दो वेक्टर है मान लो आपका, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ ये, तो ये होता है आपका ए, ऐसे करके हम लोग अगर मॉड लगाते हैं तो वैसे, नहीं तो ए बी कॉस थीटा, ऐसे हम लोग का होता है। और अगर यही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये होता है ए बी साइन थीटा, तो ये सारा चीज है, तो इसी को हम लोगों ने यहाँ लिखा है एफ डी कॉस थीटा, है ना। देखो ए बी कॉस थीटा को क्या लिखे, ए डॉट बी लिखे, तो उसी तरह से एफ डी कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी लिखेंगे। अब सिंपल सी बात है कि फोर्स आपका वेक्टर है तो आप लगा सकते हो, ठीक है, आप लगा सकते हो एरो डायरेक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है तो इसमें भी आप लगा सकते हो, तो ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया एफ डॉट डी। लेकिन एफ डॉट डी पे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है एफ डी कॉस थीटा पे, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, सारा चीज हिंदी में बता रहे हैं और मैथमेटिकल डेरिवेशन का कोई खास पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले को तो समझ में आ ही जाएगा, हिंदी मीडियम वाले को भी पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, एक चीज देखो, सबसे पहले वर्क का डेफिनेशन, वो तो मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको बताया था, लेकिन वर्क को डिफाइन कैसे करोगे, तो वर्क को डिफाइन कैसे करोगे, तो उसका डेफिनेशन लिखो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो द वर्क Done by the force, the work done by the force is defined to be the product of, आप लोग भी लिखो, नोट बनाओ, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन दो दिन के बाद भूल जाओगे, product of component of the force in the direction of the displacement, of the force in the direction of displacement, okay, and the magnitude of this displacement, मतलब सिंपल सा बात है कि मैथमेटिकल डेरिवेशन जो आपको बताए उसी को हम लोगों ने डिफाइंड किया है यहाँ पे। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था ना, बताए थे ना, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है आपका। तो ये फोर्स होरिजोनटल है जिसकी वजह से कॉस थीटा आ जाता है, एफ कॉस थीटा इनटू डी, ठीक है, ये आ जाता है। इसी चीज को हम लोगों ने बताया है, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि सर एफ इंटू डी नहीं होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डी होता है। हाँ भैया आप सही हो, एफ कॉस थीटा इंटू डी होता है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ही है होरिजोनटल डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हो गया, सिंपल सा बात है। फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वर्क होता है। अब आप ही लोग बताओ, मैं आपसे पूछूंगा कि वर्क डन जीरो कब कब हो सकता है, आप क्या बोलोगे, या एफ जीरो हो जाए, एफ जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, डी जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, या कॉस थीटा जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे, तो इसी चीज को हम लोग फिर से थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कैसे समझोगे, तो हेडिंग इस तरह से आप लगाओ कि द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स। एक चीज देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में या किसी लेक्चर में आप लोगों को बताया था तो काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। वर्क जो होता है ना, फिजिक्स के हिसाब से कुछ और होता है और डेली लाइफ के हिसाब से कुछ और होता है। मैंने आपको बताया था कि एक
एक ब्लॉक को आप ले जाओ यहाँ पे और वापस से आप यहाँ पे आ जाओ तो वर्क डन आपका जीरो होगा। लेकिन डेली यूज में ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपने काम किया है, एनर्जी का आपका लॉस हुआ है, तो वर्क होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि अभी तो आप लोगों ने पढ़ा एफ कॉस थीटा इंटू डी होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो डेली लाइफ और फिजिक्स का, फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन, ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप लोग ऐसे कह सकते हो कि द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स यूजेज इन एवरी डे लाइफ। लिख लो आप लोग द मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स इज डिफरेंट from its usage in everyday life. ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ये मैंने प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देके समझाया है। अब देखो नो वर्क इज डन, ये लिखो नो वर्क इज डन। किस किस केस में वर्क डन नहीं होगा? नो वर्क इज डन, अभी आप लोगों को बताया पिछले स्लाइड में। कैसे समझोगे किस किस केस में वर्क डन नहीं होगा? तो सबसे पहले देखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो पहला केस अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क डन नहीं होगा, सिंपल सा बात है। दूसरा केस क्या है? अगर थीटा, देखो यहाँ पे अगर डी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जीरो, अगर एफ जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जीरो, अगर कॉस थीटा जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो। मतलब कॉस थीटा अगर आपका जीरो हो जाए, तो कॉस थीटा जीरो कब होगा आप ही लोग बताओ? जब थीटा इक्वल टू पाई बाय टू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब थीटा इक्वल टू पाई बाय टू हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय टू लिखोगे तो कॉस पाई बाय टू कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो दो केस हो गया आपका। और तीसरा केस क्या है? तो तीसरा केस है कि अगर सरफेस ही स्मूथ हो जाए, आपको बताया था ना ये सरफेस है, आपको बताया था ना कि ये रफ है, अगर ये स्मूथ हो जाए तो सिंपल सा बात है कि जब सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो आप किसी भी ब्लॉक को खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, और फ्रिक्शन फोर्स जब नहीं लगेगा तो क्या होगा? वर्क डन मेरा जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या कर सकते हो कि द फोर्स इज जीरो अ ब्लॉक मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अगर आपका सरफेस अगर आपका स्मूथ हो जाए तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, और फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? वर्क डन नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलो और लिखो एक दो चीज आप लोग। देखो सबसे पहले वर्क का यूनिट क्या होता है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है बताओ? तो लिखो एस आई यूनिट ऑफ वर्क, ये क्या होगा? तो ये होगा जूल, ये होगा आपका जूल। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोग लिखो एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि W इक्वल टू एफ डी, ये इंटू है कॉस थीटा। तो एक चीज बताओ, थीटा को जीरो कर दो। कैसे जीरो करो वो मैं बता रहा हूं। फोर्स इस तरह लगा रहे थे ना, एक मिनट के लिए आप फोर्स इस तरह से लगाओ, फोर्स इस तरह से लगाओ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो वन होता है, तो ये खत्म हो गया, तो W बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ एक बात बताओ आप ही लोग, W जूल होता है, W का यूनिट जूल होता है, वर्क का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो आप क्या कह सकते हो? अगर मैं फोर्स को 1 न्यूटन बोलूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर बोलूं, तो वर्क मेरा कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा, और 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 जूल हो जाएगा। सिंपल सा बात है,
ठंडा समझने का कोशिश करो। देखो चीजों को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उस तरह से समझोगे ना तो आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर लोगे अपने आप में सारा चीज। अगर मैं एफ को 1 न्यूटन कर दूं, डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर कर दूं, तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर यानी 1 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं यानी 1 जूल। तो जूल को कैसे डिफाइन करोगे, 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करोगे, ये समझाने के लिए था आपको। 1 जूल वर्क कैसे समझोगे कि 1 जूल काम हुआ है, तो सिंपल सा बात है, 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक ट्रेवल करवा दिया जाए किसी बॉडी पे, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के उस बॉडी को 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक ले जाया जाए, तो सिंपल सा बात है कि 1 जूल वर्क होगा, है ना। तो बस उसी को डिफाइन करके हम लोगों को लिखना है। तो 1 जूल वर्क इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ या डिस्प्लेसमेंट कहो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या समझे, किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा के और 1 मीटर तक उसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि जो वर्क डन होगा उसी को 1 जूल कहेंगे, 1 जूल वर्क। तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, 1 जूल वर्क इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इज 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो फॉर्मूला के माध्यम से मैं आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, वर्क डन 0 कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। चलो आगे देखते हैं, एक चीज और लिखो आप लोग, वर्क इज डन अगेंस्ट 2 फोर्स। वर्क जो होता है, वर्क इज डन अगेंस्ट टू फोर्सेस, ठीक है, कौन कौन, तो एक है आपका फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा है आपका ग्रेविटी फोर्स, यानी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, ये समझ गए। और इसमें आप लिख सकते हो कि वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहाँ पे लिख लेना वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो इस 2 के अगेंस्ट में वर्क होता है हमेशा, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब एक चीज और लिखो कि वर्क जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, क्या होता है, नोट करके लिखो आप लोग, नोट करके, कोई भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा, वर्क कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, वर्क 0 भी होता है, वर्क कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव और मे बी 0 और मे बी 0, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, है ना। चलो अब बताओ कैसे होगा, निगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, तो आप ही लोग बताओ, वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर निगेटिव कब होगा बताओ, वर्क जो है सो निगेटिव कब होगा, तो जब थीटा जो है मेरा, ये पहले बात करते हैं पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा थीटा जो है सो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इस रेंज में थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। चलो अब निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव होगा जब मेरा 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 180 डिग्री से छोटा होगा थीटा, तो इस केस में हम लोगों का क्या होगा कि वर्क डन निगेटिव होगा। और 0 कब होगा आप ही लोग बताओ, 0 कब होगा, 0 कब होगा, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब इस सरफेस पे अगर कोई ब्लॉक है और एफ लगा रहे हैं इस तरह से, एफ लगा रहे हैं इस तरह से और डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है,
डी इधर है मेरा और एफ इधर है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो एफ डी कॉस थीटा करोगे कॉस 90 डिग्री तो मेरा जीरो होता है, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इतना सारा कंसेप्ट था आपका वर्क के बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा चार पांच क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग एनर्जी पे जाएंगे, फिर पावर पे जाएंगे और मोर देन 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टोटल पांच मैं मान करके चल रहा हूँ, पांच लेक्चर, हो सकता है तो पांच से ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझने का कोशिश करना क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा घुमाया हुआ रहता है और काफी लोग फंस जाते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि लगेगा कि आप तो कुछ जानते ही नहीं हो। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सबको पता है वर्क का यूनिट जूल होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जूल ही यूनिट हो, तो हाँ होता है एनर्जी का। वर्क, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है और दोनों का डायमेंशन ML2 T-2 होता है। मैंने बोला था रट्टा मारने के लिए इसको, ठीक है, ML2 T-2 तो दोनों का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, इसको या तो आप कंप्रेस करके इतना छोटा कर दो या तो आप इलोंगेट करके इतना बड़ा कर दो, दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी। जब आप छोड़ोगे, जैसे ही आप प्रेस करके कंप्रेस करके रखेंगे और छोड़ोगे तो ये क्या होगा, भागेगा। उसी तरह से आप इलोंगेट करके जब छोड़ोगे तो ये क्या होगा, भागेगा, है ना। तो दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, दोनों केस में, जब इसको लंबा करके छोड़ेंगे तो भी और जब इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, देखो पेंडुलम जो ऑसिलेट करते रहता है क्लॉक का, वो कौन सा एनर्जी देता है, सिंपल सा बात है, वो मैकेनिकल एनर्जी देता है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। आपका पंखा जो चलता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पंखा चलता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा बात है, पेंडुलम चल रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। चलो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, आप बताओ। नहीं कुछ पता रहे ना तो कोशिश करो फॉर्मूला लिखने का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है। देखो मास पे डिपेंड करता है तो हाँ करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो हाँ करता है, हाइट पे डिपेंड करता है तो हाँ करता है, तीनों पे करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। देखो ये सारा रिपीट हो रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता हूँ कि मेरा लेक्चर आप लोग अच्छा से देखो, क्योंकि आने वाला लेक्चर का भी कंसेप्ट आप लोग सीख रहे होंगे। मैं आप लोगों को बताया था, एक बात बताओ, ये सरफेस है, ये बॉल है, ये बॉल है, यहाँ पे ये 10 मीटर का हाइट पे है, है ना, ये 10 मीटर का हाइट पे। तो इस जगह पे बताओ, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जीरो है, है ना। यहाँ पे अगर आ रहा है तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में आ जा रहा है, यानी थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इस जगह पे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा घटा, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ा, और जस्ट जब ये टच करने वाला रहेगा ग्राउंड को तो काइनेटिक एनर्जी जो है सो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम। सिंपल सा बात है, आप लोग अप्लाई करके देखो ना, बॉल को आप छोड़ोगे तो जितना नीचे आएगा बॉल का स्पीड उतना तेजी से बढ़ते चला जाएगा, और जब वो जमीन पे टच करने लायक रहेगा एकदम क्लोज, उस टाइम में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझना। तो अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, तो जब ये हाइट से गिर रहा है, बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो क्या होगा, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, गलत है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फॉल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, VVI क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं जितना इम्पोर्टेंट बोलू उतना कम है। आप लोग इसको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर रखना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv2। आपको क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी को डबल करोगे, तो डबल करो, आप वेलोसिटी को डबल करो, टू भी कर दो, तो इसको जब आप करोगे तो स्क्वायर से बाहर निकलेगा, तो 4 गुना हाफ mv2, है ना,
तो चार गुना काइनेटिक एनर्जी यानी चार गुना बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स फोर टाइम्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखना, कोई बोलते हो ना लेवल यही रहेगा आरआरबी में, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 520 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 20 वाट। देखो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत सारा तरीका मैं बताता हूँ। वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, नेक्स्ट लेक्चर जब पावर पर होगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। वाट बराबर क्या होता है, जूल सेकेंड। अब आप ही बताओ, यहाँ पे वाट दिया हुआ है 20 वाट दिया हुआ है, आपको 520 जूल दिया हुआ है और आपको सेकेंड निकालना है, आपको सेकेंड निकालना है, सेकेंड निकालना है, तो आप कैसे करोगे, तो करोगे इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0, 2 से 26, तो आपको 26 सेकेंड आंसर आ जाएगा। करके देखना आप लोग, आंसर आ जाएगा 26 सेकेंड, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपको बताया है कि इस तरह से फॉर्मूला होता है, ओके। चलो इसको ऐसे करो ना आप लोग, 20 वाट को लिख सकते हो 20 जूल पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में 20 जूल, तो 520 जूल कितना सेकेंड में, तो 26 सेकेंड में। स्टूडेंट्स कैरीज अ बैग वेइंग 5 kg फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू हिज क्लास ऑन द फर्स्ट फ्लोर दैट इज 2 meter हाइट द वर्क डन। अब देखो 2 meter हाइट दिया हुआ है, यानी आपको डिस्प्लेसमेंट जो है सो दे दिया गया है कि 2 meter है, ठीक है। मास आपको 5 kg है। अब आप ही बताओ वर्क डन के लिए क्या होता है, तो वर्क होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगल का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स तो एम ए होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लोर पे ऊपर जा रहे हैं, मतलब जी के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। और अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि वर्क जो होता है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट होता है और ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर 2 meter जा रहे हैं, तो क्या होगा, फोर्स यहाँ पे mg हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे mg हो जाएगा। तो m आपका 5 है और g 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 meter है, तो आपका आंसर हो जाएगा 100। और वर्क है तो वर्क का यूनिट जूल। आप यहाँ पे 50 न्यूटन और 2 meter भी कर सकते हो और न्यूटन मीटर को जूल कर सकते हो, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप एग्जाम में नहीं किया जाता है, एग्जाम में आपको तुरंत कम टाइम में आंसर बनाना है और निकलना है, ठीक है, सीखने के लिए स्टेप वाइज स्टेप करने का टाइम अभी नहीं है। चलो द वर्क डन इज 0, अब बताओ वर्क डन 0 कब होगा, द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, नहीं आपको बताए थे ना कि एफ डी कॉस थीटा होता है, तो अगर F 0 हो जाए तो वर्क डन 0, D 0 हो जाए तो वर्क डन 0, या cos थीटा 0 हो जाए तो वर्क डन 0, तो cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा आपका पाई बाय 2 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 यानी ऑप्शन देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर सी, द बॉडी शोज अ डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड, मतलब फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है और दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा बराबर 90 degree, तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। और 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग दोगे, मैं जानबूझ करके इसको लीव कर रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 1 फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो यूनिट होता है, हम लोग जो बिजली बिल पे करते हैं तो क्या बोलते हैं, इतना यूनिट बिजली बिल आया, इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आया, है ना, इतना पर यूनिट ऐसे चार्ज चल रहा है अभी, तो ये यूनिट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मेजरमेंट हम लोग 1 unit बोलते हैं, ये 1 unit क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर आप लोगों को आता है तो सिंपल सा बात है, आप लोग लेक्चर सीरियसली पढ़ रहे हो, अगर आप लोगों को नहीं आता है अपने दिल पे हाथ रखो और वापस से अच्छे से पढ़ाई करो, खिलवाड़ करोगे तो फिर एग्जाम आपके साथ खिलवाड़ करेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने एक बार नहीं 75 बार इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग खुद डिसाइड करो कि आप लोग किस लेवल से पढ़ाई कर रहे हो, आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो फिर से आप लोग लेक्चर देखो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इसी तरह से सारा लेक्चर आएगा, कोई हिंदी मीडियम नहीं, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, दोनों को समझ में आ जाएगा, पूरी तरीका से दोनों को समझ में आ जाएगा, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो, थैंक यू।